अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ सिंगापुरियन राइस बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें। चलें जी रेसिपी की तरफ। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 मीडियम साइज़ की गाजर लेंगे, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 3 से 4 हरी प्याज लेंगे। हरी प्याज की कटिंग इस तरीके से करेंगे, व्हाइट पार्ट अलग रखेंगे और ग्रीन अलग। 1/2 कप बंद गोभी लेंगे, 2 चिकन क्यूब्स लेंगे, काली मिर्च लेंगे 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टेबल स्पून, नमक लेंगे टू टेस्ट, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है, चाइनीज सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, 1 लेमन लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, 3 से 4 हमें लहसुन के जवे चाहिए, उसको इस तरह जुलियन कट करेंगे लंबाई में। 1/2 kg हम चिकन लेंगे, स्पेगेटी लेंगे 200 ग्राम, चावल लेंगे हम 1 गिलास, ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, पहले जी स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसके अंदर हम प्याज डालेंगे, प्याज को हल्की सी फ्राई करेंगे, उसके बाद चिकन शामिल करेंगे, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और चिकन को जब तक फ्राई करेंगे तब तक चिकन वाइट ना हो जाए। चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि चिकन वाइट हो जाए। अब इसमें हम सारी स्पाइसेस शामिल करेंगे, चिकन क्यूब, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, और 15 मिनट्स के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक होने रख देंगे। चिकन कुक हो जाएगी तो उसमें हम टमाटो केचप शामिल करेंगे और चिल्ली गार्लिक केचप, और साथ में इसमें लेमन जूस जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलिए जी स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में सबसे पहले हम पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम हल्की प्याज का वाइट पार्ट शामिल करेंगे, साथ ही इसमें गाजर शामिल करेंगे, आलू की शिमला मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, चाइनीज सॉल्ट डालेंगे और साथ में एक चिकन क्यूब जाएगी। अब हम बंद गोभी डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट्स हम इसको पकाएंगे। पैन में हम 3 से 4 ग्लास पानी लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे, जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें स्पेगेटी डालेंगे हम। और इसको बॉयल करने रख देंगे। स्पेगेटी बॉयल हो चुकी है, अब इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह इसको ड्राई करेंगे।
अब तमाम सब्जियों को स्पेगेटी के साथ मिक्स करेंगे। नाउ इन दी एंड हरी प्याज शामिल करेंगे। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम मायोनीज लेंगे 1 कप। टेबल स्पून हम नॉर्मल केचप लेंगे, 1/2 कप चिली गार्लिक लेंगे, 1 टेबल स्पून विनीगर शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी इस टाइप की बनेगी, ना ज़्यादा रनी होगी ना ज़्यादा थिक होगी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। स्टेप नंबर 4 में हम 4 गिलास पानी लेंगे, इसमें नमक शामिल करेंगे, 1/2 हम इसमें चावल ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, रख देंगे। चलिए जी, अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। सर्विंग ट्रे लेंगे, उसमें चावलों की एक लेयर लगाएंगे। अब सेकंड लेयर हम स्पेगेटी की लगाएंगे। और थर्ड लेयर हम उस चिकन की लगाएंगे जो हमने रेडी की थी। 4th लेयर सॉस की लगेगी और उसके ऊपर हरी प्याज हम स्प्रिंकल करेंगे एज अ डेकोरेशन। एक पैन लेंगे, उसमें 3 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे, उसके अंदर लंबाई में कटा हुआ लहसुन को हम फ्राई करेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्चों को भी हमने बीच से कट लगानी है, तो हम इसका तड़का करेंगे। चलिए जी, मज़ेदार सिंगापुरियन राइस रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।